ये सिसकियां लोकतंत्र की भी हैं, जहां पद से मिलने वाली ताकत ने संविधान के चौथे स्तंभ को इमरजेंसी में भर्ती करा दिया। कमरे में बंद हो गया संविधान और उसके साथ बंद हो गए सवाल, बंद हो गए लोकतंत्र के पहरेदार, और इस दौरान पत्रकारों को बाहर निकलने नहीं दिया गया। जहन से उठे सवाल लबों तक तो आए, लेकिन दरवाजे से टकराकर तब्दील हो गए सिसकियों में। बंद कमरे में दरवाजे को पीटता यह कोई इंसान नहीं है, यह संविधान है। संविधान का अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 की उपधारा है जो सरकार के सामने शासन की आबरू के लिए कैद कर दी गई है। मुल्क के किसी और कोने में लोकतंत्र के नाम पर खड़े कुतुब को ढहाने की कोशिश नहीं हुई है। मुल्क की सबसे बड़ी बज्म, सबसे बड़ी पंचायत से 211 किलोमीटर दूर संविधान सिसका है। उसकी तड़प, उसकी सिसक इस बंद कमरे के दरवाजे से टकरा कर रह गई। संविधान की घुटन को संविधान की शपथ लेने वालों ने ही अनसुना कर दिया है। दरअसल इन दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ तूफानी दौरे पर हैं, कभी सहारनपुर तो कभी कहीं और। अपने दौरे के दौरान विकास की रफ्तार और कानून की धार का जायजा ले रहे हैं। अगला पड़ाव मुरादाबाद रहा, जब रविवार को सीएम पहुंचे, अस्पताल में मरीजों से पूछ रहे थे हाल, सरकारी इमारत का देख रहे थे जमाल। तभी सीएम के आने की खबर के तहत कई मीडिया कर्मी भी पहुंच गए। लखनऊ से मुरादाबाद में तैनात किए गए सुग्रीवों की फौज को हो गई खबर कि जिस आबरू को पूरे दौरे के दौरान बचाए रखा, वही आबरू अब खतरे में है। अगर हो गया राब्ता मीडिया कर्मियों का महाराज से, महाराज के कोप का भाजन होने से कोई रोक ना पाएगा। कांटों की सेज को गुलाब की मेज से सजाकर गुलिस्ता बनाया जा रहा है। एक झटके में वो चादर खिंच जाएगी। तो आनंद फानंद में मुरादाबाद की सड़कों पर अमला लेकर दौड़ने वाले, हवा से बात करने वाले जिलाधिकारी ने अपने अधिकार का प्रदर्शन किया। तो सीएम के अस्पताल के भीतर जाते ही जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के आदेश पर इमरजेंसी के कमरे में मीडिया कर्मियों को ठूस दिया गया। दरवाजे पर तैनात कर दिया दारोगा, रखो नजर लोकतंत्र के चौथे खंभे पर कि जो लोकतंत्र को असीम ताकत देता है। सरकारी ताबेदारी का हुआ पालन, एक झटके में मीडिया कर्मियों को बंधक बना लिया गया। अंदर से पत्रकार आवाज देते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, दरवाजा पीटते रहे, लेकिन नाके पर खड़े होने वाले दरोगा शक्ति सिंह ने संविधान की कैद पर पैनी नजर रखी है। अस्पताल की इमरजेंसी में लोकतंत्र को भर्ती कराया गया, जो मुरादाबाद के जिलाधिकारी की ताबेदारी की वजह से आखिरी सांसें गिन रहा था। नहीं फर्क पड़ा डीएम को, नहीं फर्क पड़ा एसएसपी को, न एसपी को, न सीओ को, और दरोगा तो साहिब के फरमान को निभा ही रहा था। सारे पत्रकार सरकार से पूछना चाहते थे सवाल, बताना चाहते थे हाल कि मुरादाबाद की ऐतिहासिक इमारतों की प्राचीरों पर फेरिए एक बार हाथ, उस पर लगा भ्रम का रंग छूटेगा तो सब कुछ काला नजर आएगा। महाराज, आपको जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, सच हमसे सुनिए। लेकिन नहीं, कांच के दरवाजे टकरा कर रह गई आवाजें। महाराज तेज कदमों के साथ बढ़ते चले गए संविधान की तड़प पर आह हुई लोकतंत्र को, लेकिन लोकतंत्र का राग अलापने वालों ने इस आह को सुना तक नहीं। इमरजेंसी वार्ड में बंद पत्रकारों को कराया गया एहसास उस दौर का, जब लोकतंत्र वाकई इमरजेंसी में था। 44 साल बाद आवाजों को फिर से दबाया है एक जिलाधिकारी ने, कुचल कर रख दिया सवाल जूतों के तल्लों से, लेकिन जमीन पर मिसला पड़ा सवाल पूछता है हुक्मरानों से, ये कैसा लोकतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।